बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, इफ्तारी की तैयारी चल रही है और आप लोग देख रहे हैं कि गैस की क्या सूरत हाल है। पूरी कराची में गैस का ही मतलब हाल है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा कर दी है। तो मैं भी सिलेंडर पर बना रही हूँ, किचन में नहीं बना रही है। मैं मेरे घर की गैलरी एक छोटी सी, तो मैं उसमें ये सिलेंडर रख कर और फिर बना रही हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल बना रही हूँ गुलगुले, और ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये गुलगुले बन रहे हैं, फूले फूले से, गोल गोल से। मैं आपको बड़े चम्मच के ज़रिए दिखाती हूँ। तो ये हमारे यहाँ लाजमी बनते हैं, ये बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं। ये मीठे होते हैं आटे के, जो ना क्या कहते हैं, हम लोग बनाते हैं इसे, और जो ना क्या कहते हैं, लाजमी हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। ये देखें, ये नॉर्मली जो आटा होता है उसके अंदर चीनी और सोडा और ये चीज़ें डाल के ना हल्का सा नमक डाल देते हैं ताकि टेस्ट अच्छा आए। और बस ये तीन चीज़ों से बड़े ज़बरदस्त से गुलगुले बन के रेडी होते हैं। खाने में इंतहाई दर्जे के टेस्टी होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो हमारी इफ्तारी इसके बगैर समझा अधूरी होती है। आप लोग सुनाएं कि कैसे रमज़ान आप लोग के जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे इस दफ़ा गुजर रहे हैं। हवाएं भी चल रही हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन ये जो लोड शेडिंग है और गैस की लोड शेडिंग और बिजली की लोड शेडिंग है, इन चीज़ों ने बहुत मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो बस ये बन रहे हैं, देखें गुलगुले हमारे तैयार तकरीबन हो रहे हैं। और नीचे बैठ के पका रही हूँ मैं ये, क्योंकि आदत नहीं है मुझे, ऊपर ही खड़े होकर पकाने की आदत है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों वाले घर में ना नीचे सिलेंडर पे पकाना, तो एहतियात करनी पड़ती है बहुत। तो बस यही कि रोज़े तो खैर बहुत अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का एहसान है कि रोज़े जो ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, हवा भी चल रही है, मौसम भी अच्छा है, कोई इतना ज़्यादा जो ना फील नहीं हो रहा। लेकिन बस ये गैस की वजह से और लाइट की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है छोटे बच्चों के साथ मुझे एडजस्ट करने में। और बहरहाल ये कि अभी तो फ़िलहाल मैं ये बना रही हूँ, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये हम लोग इसे गुलगुले कहते हैं, मीठे जो ना क्या कहते हैं, ये हम लोग आटे से बनाते हैं। और ये इस तरह बन इसका पेस्ट जो ना वो बनता है जैसे बेसन का होता है, तो ऐसे नॉर्मल जो हमारा आटा होता है ना हम उसका बनाते हैं। तो अभी कुछ मेरी आवाज़ भी ख़राब हो रही है, नज़ला खांसी मुसलसल जो ना क्या कहते हैं पहले रोज़े से चल रहा है, तबीयत ख़राब है थोड़ी, बस इसलिए मेरी वीडियो कोई आ नहीं सकी थी बनकर। तो बस आज मैंने सोचा ये थोड़ी सी इफ्तारी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुकम्मल तौर पे आपको मतलब दिखा तो नहीं सकी ये, जैसे मैंने इफ्तारी करी थी स्टार्टिंग, मतलब जो ना स्टार्ट इफ्तारी के लिए तैयारी। तो बस ये है कि आधे से ज़्यादा तो हमारी प्रिपरेशन में तैयारी कम्प्लीट थी, इस वजह से हमें इतनी परेशानी नहीं हो रही। और ये मैं किचन से बाहर हट के मेरा थोड़ा सा गैलरी वाला पोर्शन है, तो मैं वहाँ पर चूल्हा रख के बैठी हूँ और वहाँ ये सारा सामान नीचे रख के बैठी हूँ। तो ये आलू के पकौड़े बना रही हूँ, ये देखें ये जैसे, और ये पालक और प्याज के पकोड़े बनेंगे। तो इधर साथ में मीठे गुलगुले हैं, हरी मिर्चें बनाऊंगी मैं इस तरीक़े से, ये मसाला मैंने भर के रखी हुई है। साथ में ये पालक के साबुत जो पत्ते होते हैं इसके भी पकोड़े होते हैं, तो वो एक ही बैटर से बन जाते हैं, तीन चार किस्म के पकोड़े बहुत आसान होते हैं। इसके अलावा शरबत बनाया है नॉर्मल हर घर की तरह। तो बस उधर मेरे गुलगुले बन रहे हैं, मैंने छोड़ दिया अभी, मैं इधर आ गई किचन में, तो किचन की स्लिप पर रखा है ये सामान। तो इधर मैंने मैक्रोनी बनाई हुई है, और जो ना बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि मैक्रोनी जो ना कि कहते हैं होनी चाहिए, तो बना दिया। और ये दो छोटे वाले जो हैं हमारे हसन और हनी, वो बिल्कुल सिंपल खाते हैं, तो उनके लिए मैंने बॉयल करके और ऊपर से हल्का सा केचप डाल दिया, बाकी केचप ये लोग अपनी मर्ज़ी से डाल लेंगे। साथ में इधर मैंने ये कलर्ड वाली जो सिवैयाँ होती हैं वो बहुत दिनों से दिल चाह रहा था, और फिर अफ्तारी के बाद ना थोड़ा सा दिल भी चाहता है कुछ इंसान मीठा खा ले, तो ये बनाया है मैंने। और ये काले छोले हैं जो कि मैंने फ्रीज करके रख दिए थे, बस इसको मैंने हल्का सा ऑयल डाल के गरम किया है, और गरम करके इस पर सारा जो ये टमाटर और प्याज वगैरह आप लोगों को नज़र आ रहा है ये डाल दिया। शरबत बना के मैंने रख लिया है पहले से। फ्रूट चाट मैंने इस वजह से नहीं बनाई, कुछ फ्रूट हमारे यहाँ कम थे तो अभी लाने वाला कोई नहीं था, और हमारे यहाँ इतने ज़्यादा शौक से खाई भी नहीं जाती, तो इस वजह से मैंने कहा जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं सेब वगैरह वो मैं काट लूँगी। तो बस ये इतनी सी ही हमारी इफ्तारी होती है, ऐसी ही तैयारी होती है इफ्तारी की। जिस दिन मैक्रोनी नहीं बनती तो उस दिन कुछ और बन जाता है इसकी जगह पर। बहुत ज़्यादा हम झंझट नहीं करते समोसे और इन चीज़ों का, बाहर से तो मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं मंगाती। तो समोसे वगैरह मैंने सब नगेट्स वगैरह घर में ही बना के रखे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अभी फ्राई करूँगी। तो ये देखें जी, मिर्चे वाले पकोड़े माशाल्लाह हमारे बन के रेडी हो गए, इधर साथ पालक वाले भी बनाए मैंने। तो अब आलू के बनाने जा रही हूँ, और एक ही बैटर में तैयार कर लेती हूँ और फिर जो ना क्या कहते हैं उसी से बनाती हूँ मैं सारे। ये देखें आलू वाले बना रही हूँ बस फटाफट। आलू को मैं क्या करती हूँ कि पहले थोड़ा सा ना आलू कटिंग करके, और मैं थोड़े से गर्म पानी में आलू को रख देती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे आलू हमारा कम टाइम देते हैं और फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखें आलू के पकौड़े भी माशाल्लाह मेरे ऐसे फूल रहे हैं जैसे गोलगप्पे फूलते हैं ना,
ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह ऐसे फूल रहेंगे जैसे गोलगप्पे होते हैं। ये देखें तो मेरे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से पकोड़े बनते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। अब आ गई मैं इधर प्याज और पालक के पकोड़े बनाने के लिए, तो प्याज और पालक के पकोड़े बना रही हूँ साथ साथ। बस इसी तरीके से ये चल रहा है, बैठ के जो ना बस बना रही हूँ यहाँ पे, और गैस का वेट करते रहो। खाना भी पकाना होता है, इतना मुश्किल हो जाता है गैस में कि कोई हद नहीं। बहुत सी लोग गैस आ रही है इतनी कि बिल्कुल हम जो ना कि कहते हैं कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो बस जी पकोड़े तो हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं और 6:30 हो गए हैं, दस्तरखान भी हमारा लग गया है। बस मैं थोड़ी सी अफ्तारी जो ना बांटूंगी नीचे, जो ना कि कहते हैं भेजूंगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि हमारे 3 घर हैं, तो मतलब एक एक दिन जो ना मैंने डिवाइड किया हुआ है कि एक एक दिन जो ना हर घर में अफ्तारी भेज देती हूँ। तो फिर इस तरह मुझ पर भी बर्डन नहीं पड़ता, और जो ना क्या कहते हैं कि मैं अकेली बनाने वाली हो जाती हूँ तो वो भारी नहीं पड़ता और आसानी से बढ़ भी जाती है। तो ये देखें हमारी ट्रे पूरी रेडी हो गई है अफ्तारी, जो ना क्या कहते हैं भिजवा रही हूँ मैं नीचे, जो ना क्या कहते हैं इनकी ताई अम्मी के घर पर। तो ये अब दुल्हारी अब जा रहे हैं देने के लिए।